इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे दृष्टेन टी10 के दोस्तों आज के होने वाले मैच नंबर 2 के बारे में। दोस्तों आज का मैच नंबर 2 ELT और दोस्तों USGC टीम के बीच खेला जाएगा। यह मैच दोस्तों ध्यान रखिएगा दोपहर के 2:45 से स्टार्ट होगा, ठीक ना। इस वीडियो में दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग देखो तो आपके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो में स्मॉली का कम्बिनेशन शेयर कर दिया है, साथ ही साथ प्लेयर स्टैट्स भी शेयर कर दिया है जो आपको कम्बिनेशन बनाने में खुद हेल्प करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जानते हो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके साथ 3 बहुत ही बड़े बिग गेम चेंजर प्लेयर शेयर किए, और इस 3 प्लेयर में से कोई भी प्लेयर खेलता है ना तो आपको दोस्तों गलती से भी इग्नोर नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और अभी उनका सिलेक्शन परसेंटेज जानते हो, एक का मिलेगा 0.5%, एक का दोस्तों मिलेगा आपको 0.75% और एक का दोस्तों 1%। कितना कम सिलेक्शन है लेकिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो वीडियो आप दोस्तों देख रहे हो तो पूरा देखना, ठीक ना। और इन्वेस्टमेंट इस मैच में करना चाहते हो तो वीडियो को पहले समझिएगा, फिर दोस्तों उसके अकॉर्डिंग जाके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और जो भी दोस्तों मैंने टीम आपके साथ शेयर किया है, मैं खुद भी कोशिश करूंगा, कोई भी दोस्तों चेंजेज होता है तो मैं टेलीग्राम पे आपको फिर से अपडेट भी कर दूँ। तो आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा। जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। अब बात करें दोस्तों हम लोग ELT और दोस्तों USGC के मैच में कम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों इस मैच का कम्बिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विकेट कीपरिंग सेक्शन से, जहाँ पे दोस्तों आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा ACVILLANGA का, जो दोस्तों आपको देखो तो 4 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं। अभी तक 2 मैच खेले हैं, दोनों मैच में दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, स्पेशली फर्स्ट मैच में। बस इनके साथ आपको प्रॉब्लम दोस्तों क्या देखने को मिलेगा ना कि ये दोस्तों 4 नंबर पर बैटिंग करते हैं, जो थोड़ा सा नीचे होता है। तो बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा आप इनको प्रिफ्रेंस दीजिएगा ना कि दोस्तों बैटिंग सेकेंड में, ठीक ना। अब चाहो दोस्तों रिस्क लेना आप लोग तो आप क्या कर सकते हो, इनके जगह नीचे से जी मनोवर को ट्राई कर सकते हो, जो दोस्तों आपको सभी मैच में ओपन बैटिंग करने आते हैं। सबसे बड़ा दोस्तों एडवांटेज आपको यही प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो ओपन बैटिंग कर रहे हैं। और सिलेक्शन कितना है तो मात्र 16% है। तो मैं अभी दोस्तों क्या कर रहा हूँ, मैं जी मनोहर को ही टीम में रख रहा हूँ क्योंकि ये ओपन बैटिंग कर रहे हैं। अब चेंज करना हो और जो भी भाई लोग को सेफ जाना हो, सिलेक्शन परसेंटेज को ध्यान में रख के जाना हो, तो आप दोस्तों ACVILLANGA को अपने टीम में रख लीजिएगा, ठीक ना। अब बात करें बैटिंग सेक्शन, तो दोस्तों बैटिंग सेक्शन में डी इरशाद मस्ट इम्पॉर्टेंट पिक है। भले ही नाम बैटिंग सेक्शन में, लेकिन आपको ऑलराउंडर का काम करके देंगे, आपको बॉलिंग भी करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों आपको बैटिंग भी टॉप ऑर्डर में करने आते हैं। फिर नीचे का एम हसन, इनका भी दोस्तों आपको सेम ACVILLANGA वाला ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। खिलाड़ी बहुत बेहतरीन है लेकिन दोस्तों आपको सभी मैच में 4 नंबर पे बैटिंग करनी आता है अपने टीम के लिए। और परफॉर्मेंस इन्होंने सब मैच में अच्छा किया है, बट वही है बैटिंग बहुत नीचे करते हैं। तो बैटिंग फर्स्ट जब ELT की टीम करे तो ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा एज़ कम्पेयर टू बैटिंग सेकेंड, ठीक ना। मैं अभी दोस्तों एम हसन को टीम में रख रहा हूँ। इनका दोस्तों जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो दोस्तों टस्क के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। ACVILLANGA दोस्तों मस्ट इम्पॉर्टेंट पिक है, रीजन बहुत क्लियर है दोस्तों, आपको 1 से 2 ओवर बॉलिंग करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों आपको 2 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे। मे भी दोस्तों आपको बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस ना करे क्योंकि ऐसा अभी तक परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन बॉलिंग से भाई का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। फिर नीचे आएगा दोस्तों ई जल जाए, मात्र 9% सिलेक्शन है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों आपको फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएगा, ठीक ना। और ऐसा नहीं है कि टूर्नामेंट इनका ख़राब गया है यार, जनता नहीं ट्राई कर रही है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा दोस्तों इन्होंने 2 मैच खेला है टूर्नामेंट में। फर्स्ट मैच में आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया था और 230+ स्कोर भी किए थे। हाँ, सेकेंड मैच में दोस्तों स्टार्टिंग में ही आउट हो गए थे, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना ख़राब ऑप्शन नहीं है यदि आप रखना चाहते हो, ठीक ना। मात्र 9% सिलेक्शन जा रहा है इस प्लेयर का। ACVILLANGA दोस्तों मैं उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, ओपन बैटिंग करें तभी आप देखना, अदरवाइज आप ड्रॉप कर सकते हो, बॉलिंग दोस्तों करेंगे नहीं। हाँ, अब नीचे से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और गेम चेंजर प्लेयर जानते हैं। आप नीचे आओगे दोस्तों तो आपको ऑप्शन मिलेगा ACVILLANGA, यदि खेलता है ना तो आई क्लोज एंड टीम में रख लेना, आँख बंद करना और टीम में रख लेना। खेलेगा तो ओपन बैटिंग करेगा और एक आउटस्टैंडिंग दोस्तों बैट्समैन है जिनका टी10 में किलिंग रिकॉर्ड है।
तो ए स्टेंजाई पे आपका हमेशा फोकस होना चाहिए। और एक और प्लेयर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों नीचे से, एस करुणुद्दला। इनका नाम भले ही आपको बैटिंग सेक्शन में दिख रहा है, लेकिन यदि ये खेलेगा तो प्रॉपर दो ओवर आपको बॉलिंग करेगा, बैटिंग से आपको कुछ करके भी ना दे, लेकिन बॉलर दोस्तों कमाल का है। तो ये दोनों प्लेयर दोस्तों आपके लिए ट्रम्प कार्ड का काम कर सकते हैं यदि खेल जाए तो। अब बात करें ऑलराउंडर सेक्शन, तो दोस्तों एम सिंगला आपके टीम में डेफिनेटली होने चाहिए। ओपन बैटिंग के साथ साथ आपको दो ओवर बॉलिंग प्रोवाइड करते हैं, ऑलराउंडर वाला काम कर रहे हैं दोस्तों, टूर्नामेंट में ड्रॉप नहीं करना है। सेम दोस्तों एस बेन भी आपको ऑलराउंडर वाला काम करके दे रहे हैं, दो नंबर पर बैटिंग, साथ ही साथ दोस्तों आपको दो दो ओवर का बॉलिंग। तो ये दोनों प्लेयर दोस्तों ऐसे भी देखो तो ईएलटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे आएगा एफ इस्लाम। अब दोस्तों देखो एफ इस्लाम पे आप रिक्स लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि एफ इस्लाम का रिसेंट मैचों में परफॉर्मेंस उतना अच्छा तो नहीं रहा है, ना दोस्तों बॉलिंग से ना दोस्तों बैटिंग से। अभी इनका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, 94% तो बहुत ज़्यादा होता है, तो स्मॉल लीग में आप रखो, लेकिन ग्रैंड लीग में आप क्या करना, यदि नीचे से एच मुबारक खेलता है जिनका मेरे को खेलने का चांस लग रहा है, तो आप इनकी जगह इन पे रिक्स ले सकते हो यदि ई एल टी की टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है, ठीक ना। बॉलिंग सेकेंड करे तो आप एफ इस्लाम को रखना, क्योंकि आपको बैटिंग से ज़्यादा पॉइंट देंगे, एच मुबारक सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग करते हैं। एप्पल दोस्तों मैं टीम में रखूंगा, क्योंकि आपको दो ओवर परफेक्ट प्रोवाइड करेंगे, और ऐसे भी देखो तो दोस्तों यूएसजी के पास अदर कोई स्पिनर नहीं है, और इस पिच पे दोस्तों डेफिनेटली फास्ट बॉलर को ज़्यादा विकेट मिल रहा है, स्विंग भी मिल रहा है, लेकिन स्पिनर हमेशा गेम में रह रहे हैं, तो इसलिए मैं एटलीस्ट एक स्पिनर अपने टीम में रखना चाहूँगा। फिर नीचे से दोस्तों बी सूर्यवंशी मेरे टीम में डेफिनेटली रहेंगे, आपको दोस्तों टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करने आएंगे, साथ ही साथ आपको एक से दो ओवर बॉलिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। 57% सिलेक्शन है, इनका सिलेक्शन ऑटोमेटिक दोस्तों और भी इंक्रीज हो जाएगा। अब फिर नीचे आएगा दोस्तों, तो मैं आपको एक और ट्रम्प कार्ड प्लेयर शेयर करने वाला हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन से नीचे आपको ए अंदरकर का ऑप्शन मिलेगा, 1% सिलेक्शन है, लेकिन यदि खेलता है तो जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है, आप कैप्टन भी सी कर सकते हो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो इस प्लेयर पर ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ऑलरेडी मैंने आपको तीन ट्रम्प कार्ड प्लेयर शेयर कर दिया, अंदर बैटिंग सेक्शन से एस कंसुतला और दोस्तों ए स्टेंजाई। अब बात करें बॉलिंग सेक्शन, तो दोस्तों एम गुल्डियान और दोस्तों अभी के लिए मैं नीचे से ए अजी कुमार, ये दोनों प्लेयर को अपने टीम में बैक कर रहा हूँ। एम गुल्डियान दोस्तों आपको दो ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके देंगे, और जो लास्ट मैच ये खेल के आ रहे हैं उसमें दोस्तों दो ओवर बॉलिंग करके चार विकेट लिए है, तो ऐसी और भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अजी कुमार पे दोस्तों आप ग्रैंड लीग में रिक्स ले सकते हो, ठीक ना। इनके जगह दोस्तों आप ग्रैंड लीग में नीचे से गंगाधर को ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि अजी कुमार क्या है कि आपको दोस्तों पावर प्ले में बॉलिंग करता है, ठीक ना, और ये आपको डेथ में बॉलिंग करने आते हैं, तो ये वाला रोटेशन दोस्तों आप चाहो तो ग्रैंड लीग में कर सकते हो। इनका सिलेक्शन कम है और अजी कुमार का ज़्यादा सिलेक्शन है। एफ शाह भी दोस्तों आपको मैक्सिमम एक ओवर बॉलिंग करके देंगे, कुछ फिक्स नहीं होता है, और अभी तक परफॉर्मेंस जस्ट एवरेज रहा है तो टीम में नहीं रख रहा हूँ, बट ध्यान रखना जीएल में आप इन पे चाहो तो रिक्स ले सकते हो, खराब ऑप्शन आपके लिए ग्रेनली का नहीं है। अब बात करें दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग कैप्टन बीसी ऑप्शन, तो दोस्तों देखो इस मैच में अभी के लिए मेरे जो कैप्टन जा रहा है वो दोस्तों जा रहा है एम सिंगला, ओपन बैटिंग दो ओवर का बॉलिंग, और वाइस कैप्टन के लिए दोस्तों डी अरसार भी एक अच्छा ऑप्शन है, एस बेन भी अच्छा ऑप्शन है, और बहुत ज़्यादा दोस्तों आप हटके जाना चाहते हो तो नीचे से मैं एक ऑप्शन बताता हूँ, बी सूर्यवंशी, इस प्लेयर पर भी आप फोकस रख सकते हो, ठीक ना। मैं अभी के लिए दोस्तों डी अरसार को वाइस कैप्टन किया हूँ, और अभी के लिए दोस्तों आप लोग इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लो और कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखो। टस के बाद कोई भी प्लेयर नहीं खेलता, और जो मैंने आपको तीन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रम्प कार्ड प्लेयर शेयर किया है यदि उनमें से कोई भी खेलता है दोस्तों आपके टीम में होने चाहिए, ठीक ना। आप जो भी टीम बनाना उस तीन प्लेयर के अलावा ध्यान रखिएगा कोई भी खेलता है मत जाना, नहीं तो आप लॉस कर जाओगे, ठीक ना, और वो आपके लिए गेम चेंजर बनेंगे। कैप्टन बीसी के ऑप्शन है, जैसे ए अंदर का मैंने बताया दोस्तों, ए अंदर खेलता है तो आप उसको कैप्टन बीसी भी कर सकते हो, और मैं अपने तरफ से खुद भी कोशिश करूंगा कि आपको टेलीग्राम पे ये सब चीज़ अपडेट भी कर दूं। तो आई होप आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया हो दोस्तों तो कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दें, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट T10 के वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।